सबसे पहले दोस्तों प्ले स्टोर में हम लोग आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, डीजी लॉकर को सबसे पहले सर्च करेंगे। यह दोस्तों भारत के द्वारा मान्यता प्राप्त यह एक डिजी लॉकर ऐप है, जो कि सारे सर्टिफिकेट इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, अपना सर्टिफिकेट, कोई भी चीज़ यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और उस चीज़ को आप अपना दिखा सकते हैं, कहीं पर भी कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए किस तरह से अपना अकाउंट बना सकते हैं डिजी लॉकर में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिजी लॉकर ओके करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले इस ऐप को ओपन करेंगे हम लोग। ये देखिए दोस्तों, मैंने ओपन कर दिया। उसके बाद ये प्रोसेसिंग में स्टार्ट हो जाएगा। जो भी लैंग्वेज आपके आपको सही लगे, उस लैंग्वेज को सबसे पहले आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी भी कर सकते हैं, उड़िया भी कर सकते, कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कंटिन्यू इन इंग्लिश में कर दिया, स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद लेट्स गो यहाँ पे ओके करने के बाद गेट स्टार्ट पर क्या करना, ओके कर देना हम लोगों को। गेट स्टार्ट पे ओके कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, साइन इन। अगर आपका अकाउंट है ऑलरेडी तो साइन इन कर सकते हैं, क्योंकि अनइंस्टॉल करने के बाद, साइन इन करने के बाद आप लोगों का जो सेशन है 22 वाला सेशन, तभी आप सीटेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, क्योंकि 2021 तक का ही शो कर रहा है पुराने वाले डिजी लॉकर में। तो अब क्या करेंगे, अगर आप नया डिजी लॉकर डाउनलोड किए हैं तो क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे आना है, कि प्रक्रिया जो भी है फुलफिल करना है। यहाँ सबसे पहले अपना नाम डालेंगे, मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, जैसे कि मेरा नाम है कामरान, AKMAL कामरान अकमल। ओके दोस्तों, मैं अपना यहाँ नाम लिख दिया। यहाँ पे आप कुछ भी अपना ये डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। यहाँ पे मेल फीमेल आप जो भी है चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जिस आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है उसी को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर जो है मैं वो डाल रहा हूँ 87। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कुछ इस तरह का पासवर्ड डालना है कि वो किसी को पता ना चले। तो मैं अपना मोबाइल पासवर्ड में डालो, सिंपली पासवर्ड कभी ना डाले, कोई भी आपका पासवर्ड देख सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे इस तरह से कोई भी पासवर्ड डाल दिया, 6 अंक का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, ईमेल आईडी डालना है। मैं अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, ये हो गया मेरा ईमेल आईडी। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें आधार कार्ड डालना है, कुछ भी आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, जो आपका आधार कार्ड हो। यहाँ पे मैं इसको ब्लर कर दे रहा हूँ आप लोगों को, आधार कार्ड दिखाने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको सबमिट कर देना है दोस्तों, ठीक है, करेंगे। उसके बाद ओटीपी आएगा, ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे ओटीपी दिखा रहा है। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ओटीपी डालूंगा, जो भी ओटीपी आ रहा है, आप यहाँ पे ओटीपी आया उसको डाल करके सबमिट कर देना दोस्तों, ओके। इस तरह से आपका अकाउंट जो है फुलफिल हो जाएगा डिजी लॉकर में। दोस्तों यहाँ मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, कोई भी सर्टिफिकेट, कुछ भी डाउनलोड करना हो, कुछ भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सीटेट का जो भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, आप आकर के आराम से मुतमईन होकर के यहाँ पे सर्च पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद सर्च फॉर डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करना है, 10th का, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, सीटेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले टीचर लिखेंगे, ठीक है, केवल TE लिखा, देखिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट, केवल TE लिखा तो यहाँ आ गया। तो क्या करना है, यह दो ऑप्शन है, सबसे पहले आपको टेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, उसके बाद टेस्ट मार्कशीट डाउनलोड करना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये टेस्ट सर्टिफिकेट को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ये मेरा नाम हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना जो भी रोल नंबर है मैं रोल नंबर डालूंगा। डालने के बाद उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर क्या करना है, जिन लोगों का ईयर्स यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, देखिए किसी लोगों का यहाँ पे ईयर शो नहीं कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे 2022 शो करना चाहिए। 22 शो करेगा तभी आप उस सर्टिफिकेट को अपना डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईयर्स चूज करना है दोस्तों। सबसे पहले अगर ईयर्स आपका चूज करने के ऑप्शन यहाँ नहीं शो कर रहा है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना डिजी लॉकर को अनइंस्टॉल कर देना है, फिर डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रक्रिया है फुलफिल करके जैसे आप करोगे तो यहाँ पे दिसंबर 2022 शो करेगा, अन्यथा शो नहीं करेगा। तो अगर शो नहीं कर रहा आपके डिजी लॉकर में तो निश्चिंत रहें, मुतमईन रहें, हमसे कॉन्टेक्ट करें, मेरा मोबाइल नंबर डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा, तो उससे पे आप हमसे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा डिजी लॉकर में किस तरह से आपका ईयर शो करेगा 2022 दिसंबर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिसंबर 2022 मैंने यहाँ पर ये कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ओके कर देना, ठीक है। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, फैचिंग कर रहा है, ठीक है, यानी सर्च कर रहा है कि इस रोल नंबर से मैं पास हूँ या नहीं हूँ।
तो दोस्तों जैसे ही मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, ये सर्च करके ऑप्शन को जो ओके कर लेगा तो इधर आके फुलफिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फुलफिल हो गया। जैसे ही फुलफिल होगा आप इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे। दोस्तों यह सर्टिफिकेट डाउनलोड हो करके रेडी हो चुका है। आप चाहे तो अपने मोबाइल में रख सकते हैं, ये कभी भी डिलीट नहीं होगा। अगर डिलीट भी होगा तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मुतमईन है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़िंदगी भर के लिए आप इसको रख सकते हैं। अगर आप पासवर्ड ना भूलें, अगर आप मोबाइल नंबर ना भूलें, मोबाइल नंबर ना चेंज करें, आपका रोल नंबर याद हो, सारा चीज़ आपके मोबाइल में ही रहेगा, कोई डरने की बात नहीं है। अगर वैसे भी अगर आप डर रहे हो तो आप यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे फाइल में जाकर के डाउनलोड हो गया है। देखिए दोस्तों अब चाहेंगे तो मैं प्रिंट आउट भी करवा सकता हूँ। ये देखिए ये हो गया डाउनलोड, मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका दोस्तों है। अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000।